चंद्रयान 3 का लैंडर और रोवर वाला एलएम बुधवार शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरा। चांद में इस जगह उतरने वाला भारत पहला देश बना। ये भारतीय प्रतिभा का एक अनुपम उदाहरण है जो इसरो के माध्यम से साकार हुआ है। 14G केबिन निवासी भारत कुमार भी इस चंद्रयान की टीम में शामिल रहे। भिलाई शहर से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित चरोदा में सड़क किनारे लगी टपरी में इडली चाय बेचने वाले भरत कुमार ने बुलंद हौसलों के दम पर ऊंची उड़ान भरी है। भरत कुमार नवंबर 2020 में अंतरिक्ष में भेजे जाने वाले चंद्रयान 3 का डिजाइन तैयार करने वाली टीम का पहला हिस्सा बने। गरीबी में पले बड़े भरत कुमार का चयन उसकी प्रतिभा, मेहनत और पढ़ाई के बूते पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो में हुआ। 23 साल का भरत कुमार चरोदा के जी केबिन स्थित कच्चे घर में रहने वाले चंद्र मेनेश्वर राव का बेटा है। चंद्र मेनेश्वर राव एक बैंक में बतौर सुरक्षा कर्मी कार्यरत हैं। अकेले पति की कमाई से घर का गुजारा नहीं हो पाता था तो भरत की मां घर के पास एक टपरी लगाकर इडली चाय बेचने का काम करने लगी। भरत कुमार इसरो में चयन होने से पहले पढ़ाई से समय निकालकर मां की मदद किया करते थे। बता दें कि भरत कुमार का जन्म व पढ़ाई लिखाई गरीबी में हुई, मगर माँ बाप दोनों ने मजदूरी करके बेटे का चरोदा के केंद्रीय विद्यालय में दाखिला करवाया। यहाँ से कक्षा 9 में उत्तीर्ण करने के बाद आगे की पढ़ाई का खर्च उठा पाना भरत के परिवार के बस में ना था। नतीजतन भरत कुमार कक्षा 9वीं के बाद केंद्रीय विद्यालय से अपनी TC कटवाने पहुँच गए ताकि किसी अन्य सस्ते स्कूल में पढ़ाई कर सके। भरत की पढ़ाई के प्रति लगन को देखकर केंद्रीय विद्यालय प्रबंधन ने TC कटवाने की वजह जाननी चाही, फिर प्रयास करके भरत की आगे की स्कूल फीस माफ करवाई। फीस माफ होने के साथ साथ शिक्षकों ने आपस में मिल बैठकर भरत के लिए किताब कॉपियों की व्यवस्था की और आगे की पढ़ाई की फीस माफ की और निःशुल्क कॉपी किताब मिलने पर भरत ने मन लगाकर पढ़ाई की और 12वीं कक्षा में मेरिट भी आया। केंद्रीय विद्यालय की पढ़ाई पूरी होने के बाद भरत IIT धनबाद में पढ़ना चाहता था, मगर एक बार फिर पढ़ाई की राह में आर्थिक तंगी रोड़ा बन गई। इस बार रायपुर के उद्यमी अरुण बाग और निजी कंपनी जिंदल ने भरत कुमार की पढ़ाई का खर्च उठाया और IIT धनबाद में भरत कुमार की पढ़ाई चलने लगी। जब भरत कुमार 7वें सेमेस्टर की पढ़ाई पूरी कर रहा था तो वहां इसरो के कैंपस सिलेक्शन में भरत कुमार का चयन हुआ। जुलाई 2019 में भरत ने इसरो ज्वाइन किया। यहां प्रशिक्षण के बाद अब वह सफल चंद्रयान 3 मिशन के डिजाइन प्रोजेक्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी बन गया। वहीं जब ग्रैंड ACN न्यूज की टीम भरत के घर उनके माता पिता से और वहां के निवासियों से मिलने गई तो उनके माता पिता ने और वहां के निवासियों ने क्या कहा, आप भी सुनिए। खुशी समा नहीं जा रही कि बच्चा आज इतना काबिल हो जाएगा, तेरे कभी सोचा नहीं था। बहुत मेहनत किया बेचारा, उसका फल भी भगवान दिया है। सबसे बड़ी बात है रायपुर के एक सारे अरुण गोविल सर एक जन है, वो उसको पढ़ाई के लिए मदद किए हैं। उनका ऐसा न कभी अपनी जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। बचपन से तेज है बच्चा पढ़ाई। हर माँ बाप को ऐसी औलाद मिले करके मैं सिक्योरिटी गार्ड में जॉब करता हूँ। ये दुकान को मेहनत बोलने से देखो सर, बच्चा दिल से पढ़ेंगे तो भगवान भी उनका साथ देगा। मेरा बच्चों ने किसी का भी बच्चा हो, दिल में लगन होना चाहिए। मैं पढ़ूंगा कुछ बनूंगा बोलने से मेरा बच्चा ने कोई भी बच्चा आगे जाएगा। खुशी लग रहा, खुशी से रोना भी आ जा रही है। बहुत हम लोग का माँ बाप को बहुत अच्छे से नाम भी लिखा रहा है। मेरी जिंदगी बस बोल रहे हैं ऐसी जन्म मिला मेरे को जिंदगी में क्या है। मेरे इतना जाए तक का मन में सोचा भी नहीं था इतना तक जाएगा करके। इतना सब जन मेरे घर तक आएगा, TV वाले भी न्यूज़ वाले भी आए करके मेरा सोचा भी नहीं। अभी अचानक होने से हम लोग को भी कल से तो खुशी में रोना आ जा रही है। सब बच्चों को ऐसे पढ़ के माँ बाप को खुशी से सबसे पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं। मैं श्रीमती वासंती पारखी, सरस्वती विद्या मंदिर मेरा स्कूल है नाम। हम तो आज अपने बच्चों के साथ इतने खुशी से फूले समा रहे हैं कि हमको आज स्कूल में क्या पढ़ाना है, क्या नहीं, क्या करना है, क्या नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत इतने ज्यादा खुश है, इतने हमारे लिए गर्व की बात है कि कोई शब्द नहीं है इसके लिए। क्या संदेश है उनकी, उन बच्चों के लिए संदेश है कि वो भी अगर इसी तरह लगन लगा के रखे रहेंगे, पढ़ेंगे, तो एक दिन वो भी ऐसे चंद्रयान पे जरूर पहुंचेंगे। यही एक संदेश है।
कि आप मेहनत से और ईमानदारी से अपना पढ़ो, अपने भविष्य को संवारो। पढ़ाई और अपने लक्ष्य को हासिल करने के प्रति भरत कुमार की मेहनत और उत्साह देखते ही बनती थी। यही वजह रही कि भरत कुमार 98% से ज्यादा अंक हासिल करके IIT धनबाद में गोल्ड मेडल हासिल किए। भरत कुमार दरअसल चरोदा जी के बिन की तंग गलियों में कच्चे मकान में गरीबी की हालत के बावजूद पढ़ाई के प्रति लगन, उत्साह और हौसला के बल पर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।